हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द माय चैनल आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है आज हम बात करेंगे कि बीबीएस कैसे निकालते हैं जैसे हमारा कहाँ जहाँ पर काम हो रहा है उसका बीबीएस हम कैसे निकालेंगे फोक फाउंडेशन का तो ये हमने एक ड्राइंग खोला है मैंने अपने फ़ोन में जो कि ऑटो कैड में है तो आप ये देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला कॉलम जो है सॉरी ये वाला जो ग्रिड है बी इसका एक्सकवेशन चल रहा है इसकी खुदाई चल रही है तो हमें इसका फाउंडेशन का बी निकालना है कि कितना सरिया लगेगा और कितने उसका जो मेजरमेंट होगा सरिए का उस कितने का होगा वो तो हम इसका बी आज बनाना सीखते हैं तो उससे पहले क्या है इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी चाहिए ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फाउंडेशन है इसकी इसका साइज क्या है ये कौन सा फाउंडेशन है तो यहाँ पे जो एफ फाइव लिखा हुआ है ये फाउंडेशन है और ये पीटू जो है ये पेडेस्टल है कुछ लोग इसे कॉलम भी बोलते हैं ये पीटू पेडेस्टल है तो ये देखिए यहाँ पे एक सेंटर लाइन ग्रिड जो है मार्क किया हुआ है तो ये F5 जो है टू पॉइंट सिक्स बाई टू का है मतलब जो लेंथ और ब्रेथ दोनों 2.6 मीटर की है यहाँ पे लिखा हुआ है छब्बीस सौ बाई छब्बीस और इसका जो हाफ पोर्शन है वो वन पॉइंट थ्री बाई वन है तो आइए इसका डिटेल देख लेते हैं F5 F5 का जो डिटेल है आपको यहाँ मिलेगा ये देखिए F5 F5 एफ फाइव टू पॉइंट सिक्स बाई टू पॉइंट सिक्स बाई क्या है डेप्थ है उस फाउंडेशन की ठीक है और इसका जो बॉटम में जो सरिया लगेगा जो बॉटम मैस होगा उसमें लॉन्गर बार और शॉर्टर बार मतलब मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका ट्वेल्थ डाया का है वन फिफ्टी सेंटर टू सेंटर सेकेंड लेयर मतलब टॉप लेयर में कुछ भी नहीं है ये मतलब सिंगल मैस है ठीक है तो आइए इसका पेडेस्टल का भी देख लेते हैं डिटेल क्या है पी टू ठीक है फ्रेंड्स तो पी टू का डिटेल जो है हमें यहाँ दिया हुआ है ये है पी टू पी टू हम एम थर्टी फाइव मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है पेडेस्टल में एम थर्टी फाइव का है और जो पेडेस्टल है वो नाइन हंड्रेड बाई नाइन हंड्रेड का साइज़ है और ट्वेंटी फाइव डाया है सिक्सटीन नंबर्स मतलब जो मेन बार है जो वर्टिकल बार है वो सोलह नंबर होंगे पच्चीस डाया का सरिया का आप यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन और ये हमारा एक स्टीरप का पूरा एक सेट यहाँ पे दिया हुआ है एक जो है मास्टर रिंग है और दो यहाँ पे टू एंगल स्टीरप है और दो टाई बार है जिसे हुक भी बोलते हैं ठीक है और आप यहाँ पे ये यह देख सकते हैं यहाँ पे एक्स जेड वाई दिया हुआ है इसका जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ होगा एक्स वाई जेड मतलब एट डाया का टू हंड्रेड सेंटर टू सेंटर मतलब स्टीरप जो है वो एट डाया का है और जो उसकी प्लेसिंग है वो टू हंड्रेड सेंटर टू सेंटर है तो आइए बात करते हैं इसका बीबीएस कैसे बनाएंगे लेकिन उससे पहले कुछ नोट्स देख लेते हैं हम जैसे यहाँ पे क्या है मिक्स ऑफ कंक्रीट फाउंडेशन में जो है वो एम थर्टी है और कॉलम और शेयर वॉल एज पर शेड्यूल मतलब कॉलम में एम थर्टी फाइव का दिया हुआ था लेकिन यहाँ फाउंडेशन जो है एम थर्टी का है और कुछ क्लियर कवर भी दिया हुआ है फाउंडेशन में आप देखिए बॉटम में फिफ्टी एम mm का और टॉप और साइड्स में फोर्टी एम mm का और कॉलम्स में फोर्टी एम एम का और इसमें एल डी भी है जैसे हमारा फाउंडेशन में एम थर्टी है तो एम थर्टी का एल डी है फोर्टी फाइव डी ठीक है फ्रेंड्स तो अब हम इसी के बेसिस पे हम इसका बीवीएस निकालते हैं लेकिन उससे पहले जो कॉलम का है वो नाइन हंड्रेड बाय नाइन हंड्रेड का जो साइज था लेकिन उसकी जो डेप्थ थी मतलब जो हाइट था वो टू पॉइंट फाइव मीटर दिया हुआ है यहाँ पे तो इसी के थ्रू इसी से हम इसका बीवीएस निकालते हैं ये ग्रिड नंबर बी ट्वेंटी सिक्स का ए फाइव का यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है जैसे एल डी मैंने आपको दिखाया अभी तो जो इसका फाउंडेशन का जो डिटेल है ये देखिए मैंने आपको अभी टू पॉइंट फाइव दिखाया और यहाँ पर जो है डेप्थ ये फाउंडेशन की तो यहाँ पर आप ये देखिए जो डेप्थ है यहाँ से जो पेडेस्टल का जो एल है और पेडेस्टल का मेन बार ये पूरा जो है एल से लेकर के फाउंडेशन का डेप्थ तक ये पूरा एल दिया हुआ है तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा तो देखिए हमें यह डिटेल दिया हुआ था फाउंडेशन साइज़ जो है हमारा 2.6 पॉइंट सिक्स बाई टू पॉइंट सिक्स का है और कवर जो है हमारा बॉटम में 50 टॉप और साइड में 40 एम mm का और कॉलम में 40 एम mm का और एल डी डी और जो कॉलम हाइट थी वो 2.5 मीटर का था तो ये हमें दिया हुआ है तो हम इसका क्या करेंगे जो हम बी बी बनाएंगे फाउंडेशन का तो वो हम कितने का हमारा सरिया बनेगा ठीक है ये देखिए ये हमारा 2.6 का है और साइड का कवर जो है वो 40 एम mm का है तो अगर हम दोनों साइड से 40 इधर से 40 इधर से 40 कवर माइनस करेंगे तो 80 एम mm एम का होगा तो 2. सॉरी 2.6 में 80 एम mm एम माइनस करेंगे तो 2.52 पॉइंट फाइव टू का हमारा ये औरजेंटल लेंथ बनेगा और इसका जो हाइट है वो एक्चुअली 600 का था लेकिन हमारे ड्राइंग में मिनिमम 300 दिया हुआ है तो आप इसे 300 ले लीजिए ठीक है ये आपके ड्राइंग के हिसाब से होगा कहीं कहीं पे ये क्या होता है जीरो पॉइंट फाइव डी भी लिखा रहता है और मिनिमम थ्री हंड्रेड भी तो आप थ्री हंड्रेड ले सकते हैं और ये क्या है ट्वेल्व डाया का दिया हुआ था वन फिफ्टी सेंटर टू सेंटर तो टू पॉइंट सिक्स में अगर आप वन फिफ्टी डिवाइड करेंगे तो सेवनटीन पॉइंट थ्री थ्री आएगा मतलब वो एटीन हो गया तो फर्स्ट लेयर में एटीन और सेकेंड लेयर में एटीन टोटल ये थर्टी सिक्स हो गया ठीक है इसकी प्लेसिंग ऐसे हो जाएगी ठीक और एक 18 18 पीस ऐसे लगेंगे 18 नंबर्स और 18 नंबर ऐसे लगेंगे ठीक है ये हो गया मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार बॉटम का सेकंड में सेकंड लेयर में हमारा कोई कुछ भी नहीं था इसलिए ये इतना ही बनेगा उसके बाद आता है पेडेस्टल का पेडेस्टल जो था वो हमारा पी टू था नाइन हंड्रेड बाई ठीक है तो उसमें आप ये देखिए वो उसका बी कैसे बनाएंगे उसमें मैंने आपको एक चीज़ दिखाया था ये मेरा हमारा फाउंडेशन है जो डेप्थ है वो हमारी सिक्स हंड्रेड की है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एल डी था ठीक है तो एल डी हमारा ये ट्वेंटी फाइव डाया का था सिक्सटीन नंबर्स ठीक तो एल डी हमारा कितना दिया हुआ है तो 45 फाइव डी तो फोर्टी फाइव इंटू डी डाया बार मतलब ट्वेंटी फाइव ये आ जाएगा आपको 1125 तो 1125 में 600 अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 525 मतलब जो ये एल बनेगा ये 525 का बनेगा और हमारा जो हाइट है वो 2.5 का है तो आप इसका बॉटम में 50 एम mm का कवर माइनस कर लीजिए और टॉप से 40 एम mm का माइनस कर लीजिए ठीक है तो ये हो गया 90 एम mm। ऊपर क्या है हमारा 20 एम mm का प्लेट भी है इसके ऊपर जो हम इसको जब कास्ट करेंगे तो यहाँ पे 20 एम का प्लेट भी लगाना है तो 20 एम का प्लेट तो हमने इसको अपने मार्जिन के लिए 50 एम का हमने आ, कवर ले लिया है तो 90 और 50, टोटल ये जो होगा ये 2.360 का वर्टिकल बनेगा ठीक है अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा तो इस तरीके से हम एक नॉर्मल बीबीएस बना सकते हैं और ऐसे ही बनाते हैं अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को दोबारा पूछ लीजिए